नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा देर ना करते हुए मैं जो ये धुन बजाऊंगा, बहुत ही प्यारी बहुत ही मीठी ये धुन है, और श्याम बाबा के जागरण और प्रोग्रामों के लिए तो ये सुपर धुन है। खाटू श्याम बाबा का एक बड़ा ही प्यारा सा भजन है। तो चलिए मैं इसको आपको बजा के दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, मैंने ये रिदम लगा रखी है जिससे कि कोई भी, अगर आप रिदम थोड़ा लगा के इसको बजाएंगे ना, इसको क्या किसी भी सॉन्ग को, तो ये कि वो आपको फिंगरिंग इस पर बहुत अच्छी चलेगी। मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर नोट कौन कौन से हैं। अब देखिए नोट कौन कौन से लगे। सी सा रे गा पा धा नी, बहुत सीधे सीधे से नोट हैं, केवल हमने माँ को छोड़ा इसके अंदर। ठीक है, एक दो तीन चार पांच, टोटल छह नोट हैं हमारी। सा रे गा पा धा सा पाधा नहीं, सॉरी, फिर आगे तो वही पैटर्न चलेगा आपका जो पैटर्न चलता है। ठीक है, तो इसको देखिए। तो ये धुन समझ चुके होंगे कौन सी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। तोड़े आती रे बसे आओ जालिमा, तुझे दिल का दाव खिलाती रे। ओ पंखी होते तोड़े आती रे बसे आओ जालिमा, तुझे दिल का दाव खिलाती रे। ठीक है दोस्तों, बहुत सीधा सादा सिंपल धुन है ये। यहां से सीधा चलना है, बस सीधा एक एक नोट लेते हुए, केवल माँ को छोड़ना है हमें, बाकी नी तक हमें जाना है। और हमें यहाँ पे आके रुकना है। एक बार मैं गुनगुना के सुना देता हूँ आपको। ओ पंखी होते तोड़ आती रे गलमा, तुझे दिल का दाव खिलाती रे। ओ पंखी होते तो अब ये यहाँ पे आकर रुकेगा। ठीक है, तो एक बारी मैं आपको थोड़ा स्लो बता देता हूँ। यहाँ से चलिए, यहाँ से हमें कोई अलंकार यूज कंटिन्यू नहीं करना है, हमें केवल सिंगल सिंगल अलंकार लेके जाने हैं।
यहाँ पे ठहराव लेना थोड़ा। ठीक है, समझ गए। यहाँ आके रुकना है, फिर यहाँ से अंतरा निकालेंगे हम इसका। अब अंतरा कैसे निकालेंगे? यानी हमें यहां से पीछे जाना है, हमें पा से पीछे जाना है हमें रे पर। एक बार मैं आपको सिलो दिखा देता हूँ। यहाँ रुके हम, फिर यहाँ से हमें सीधा रे पर आना है। बागों में पहुंची, चलिए अंतरा देखिए दोबारा। पंखी होते तो उड़ जाती रे, तुझे दिल का दाव दिखलाती रे। पंखी होते तो आती रे, पंछी बन के उड़ती गगन में, पंछियों में सची लगन में। टूट चुके में होने लाना मरे ना तो दोस्तों कैसा लगा ये ट्यूटोरियल आपको, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगता है तो लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।